आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैंने एक बार श्री अवतार से पूछा कि भगवान, धर्म का उद्देश्य क्या है? तो श्री अवतार ने जो मुझे बताया, समझाया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लोग अक्सर सवाल ये करते रहते हैं कि धर्म का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धर्म का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, निर्वाण मोक्ष, लौकिक अलौकिक आनंद की प्राप्ति, अपनी चेतना का विकास, जीवन का विकास, वगैरह वगैरह। तो अब हम इस पर विचार करें ठीक से कि धर्म का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य इसका क्या है। और इसके पहले हम समझें कि धर्म है क्या। हम जब धर्म को समझ लेंगे तो फिर धर्म का उद्देश्य क्या है इसे भी ठीक से समझ लेंगे। धारण शब्द से धर्म बना है। धारणा तधर्म मिथ्याहुः, और ऋषि आगे कहते हैं कि धर्मो धार्यते प्रजाः। धर्म शब्द की जो हुई है उत्पत्ति धारण से हुई है। मुख्य धारण ही है, धारणा का भाव ही है। धर्मो धार्यते प्रजाः, धर्म ने जीवों को, हमको, आपको, सबको धारण कर रखा है। धर्म ने धारण कर रखा है, इसको विचारिए। हमें किसने धारण कर रखा है? हमारे गुण कर्म स्वभाव ने, यानी कि जन्मजात गुण कर्म और स्वभाव, जिन्होंने हमें धारण कर रखा है वह धर्म है। धर्म के होते हैं दो पहलू। वे गुण कर्म स्वभाव जिन्होंने हमें धारण कर रखा है, जिन्हें लेकर हम आए संसार में, जन्मजात गुण कर्म स्वभाव, नंबर एक। और दूसरा होता है धर्म का दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष है कि हम अपने जीवन में जिसे धारण करते हैं, धारण करेंगे, धारण जिन्हें करना चाहिए, धारणीय, एक धारित धर्म, दूसरा धारणीय धर्म। धर्म के दो पहलू, दो पक्ष। धारित अर्थात जन्म से ही हमने जिन्हें धारण कर रखा है, दूसरा अपने जीवन में जिन्हें धारण है, जिन्हें धारण है करना, आदर्श को, धारणीय को, धारण के योग्य जो है। अब धारण के योग्य होता क्या है, अब धारण के योग्य होता क्या है, धारणीय क्या है, आदर्श क्या है? तो जिससे हमारी चेतना का विकास होता हो, हमारे जीवन का विकास होता हो, वही धारणीय है। यानी वैसा चरित्र, चिंतन, व्यवहार अपनाना जिनसे हमारी चेतना का विकास होता हो, जीवन का विकास होता हो, और विकास भी दिशाहीन नहीं होनी चाहिए। चेतना का विकास, जीवन का विकास भी एक दिशा में, वह कौन सी दिशा है? वो है मोक्ष। मोक्ष अर्थात ईश्वर में विलीन हो जाना, विसर्जित हो जाना, निर्वाण, मुक्ति या कैवल्य। मोक्ष हमारा अंतिम उद्देश्य है, वह अंतिम लक्ष्य है, जो कि एक जीवन में, एक जन्म में हो नहीं पाता है। श्री महावतार बाबा जी ने कहा कि जीव जब जन्म लेता है, जन्म से मोक्ष तक की जो यात्रा है उसकी लगभग 1,000,000 साल उसमें लगते हैं। यदि सदगुरु की हो जाए दया कृपा तो वह समय घट सकता है, लेकिन सामान्यतया 1,000,000 साल लगते हैं, यानी सैकड़ों जन्म, सैकड़ों सैकड़ों जन्म।
हमें लगते हैं अपनी चेतना के जन्म और मोक्ष के बीच में। मोक्ष अर्थात विलीन हो जाना भगवान में, परमात्मा में, ईश्वर में। तो हमारी चेतना का विकास भी मोक्ष की तरफ हो, यह हमारा आदर्श है, धारणीय है। वैसा चरित्र चिंतन व्यवहार अपनाना जो हमें मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। लेकिन सामान्यतया मोक्ष शब्द समझ में सबको नहीं आएगा, और इसलिए हम इसे मोक्ष नहीं कहकर विकास कहें, चेतना का विकास। क्योंकि चेतना विकसित होते होते ही तो अंत में मोक्ष तक पहुंच जाएगी। जैसे गंगा निकलती है गोमुख से और पहुंच जाती है सागर में और वहां विलीन हो जाती है, हमारे जीवन का लक्ष्य चेतना का विकास है। जैसे कि विद्यार्थी का लक्ष्य होता है विद्वान बनना, ज्ञानवान बनना, हुनरमंद बनना, लेकिन अचानक नहीं हो जाता। छात्र को कई सारे वर्ग होते हैं उसे पार करने, बहुत सारे होते हैं क्लास बीच में, बहुत सारे होते हैं सोपान, और उन्हीं सोपानों से, वर्गों से, क्लासों से आगे बढ़ते हुए वह अपने लक्ष्य विद्वता हुनरमंद की तरफ बढ़ पाता है और उन्हें प्राप्त कर पाता है। मित्रों, आपने समझ लिया कि हमारे जीवन का लक्ष्य चेतना का सतत विकास है, और जीवन और धर्म एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसलिए धर्म का लक्ष्य भी क्या है? चेतना का सतत विकास, और इसकी अंतिम अवस्था का नाम क्या होता है? मोक्ष मुक्ति। तो मोक्ष रूपी जो छत है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे सोपान हैं, सीढ़ियां हैं, क्योंकि सीढ़ियों के बिना आप छत पर नहीं पहुंच सकते, और वे सीढ़ियां ही वर्ण और आश्रम कहलाते हैं। आप धर्म को, चेतना विकास को, वर्ण को, आश्रम को, योग को अच्छी तरह से समझें, यही आपसे हम रखते हैं उम्मीद। और विषय को तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से समझें। आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, और साथ ही आग्रह कि हमारे वीडियो को आप शेयर करना न भूलेंगे और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल्कि सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद।